अनीस कश्यप को सिर्फ राम मंदिर दिखता है, बीजेपी दिखता है, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं हम बिहार का विकास में सहयोग करना चाहते हैं। ये कैसा विकास है? सरकार झुके ना झुके, जब तक हम लोग की वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक भारत देश का युवा है जो सीने पे गोली। और देखिए अभी हम पटना की सड़कों पे हैं और रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं काफी बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं और जो छात्र हैं वो बैनर लेते हुए रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन जो है कि पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है कि इस प्रोटेस्ट को कोई हिंसक रूप ना हो ले, ये प्रोटेस्ट जो है कि कोई ऐसा रूप ना ले जिसके वजह से कोई जो है कि हिंसक झड़प हो, इसके लिए कि प्रशासन के लोग यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। छात्र जो है कि सड़क पे अब बैठ चुके हैं, सड़क पे बैठेंगे तो देखते हैं कि क्या ये बातें जो है कि सरकार समझेगी और इन चीज़ों को समझवाने के लिए मनवाने के लिए प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग जो है कि इनके साथ खड़े ताकि कोई हिंसक झड़प ना हो। जो छात्र हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो बड़ा रूप ले रहा है, पूरे देश में फैलेगा। बच्चों को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो बच्चे हैं ये जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे सड़क पे बैठ चुके हैं और ये आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। इसके वजह से जो है कि ये आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है, ये आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है और ये आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है, ये आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। और आपको दिखाई रहेंगे किस प्रकार से जो है कि यहाँ ये हमारे साथ रहिए, हाँ यहीं पर रहिए ताकि जो है कि कोई दिक्कत ना हो, कोई जो है कि परेशानियाँ ना हो। आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि ये लोग हैं ये इस भीड़ को, इस छात्रों के आंदोलन को असफल बनाने के लिए इसको जो है कि पूरी तरह से दिखाने के लिए, पूरी तरीके से जो है कि इसको तितिर बितिर करने के लिए, इसको जो है कि पूरी तरह से जो है कि इसको तितर बितर करने के लिए प्रशासन के जो लोग हैं वो जो है कि पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हैं। आपको लगातार हम जो है कि पटना की सड़कों से पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है कि कोई उग्र ना हो, कोई जो है कि हिंसक ना हो, इसको लेकर के जो छात्र हैं जो है कि जो ये जो छात्र हैं वो जो है कि सड़कों पे उतरे हुए हैं। लगातार हम आपको यहाँ की पटना की सड़कों से ये खबर दिखा रहे हैं, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कोई ऐसी बातें ना हो। छात्रों का एक ही नाराजगी है, एक ही गुस्सा है कि उस तरफ जी आपको लगातार यहाँ की अपडेट हम दिखा रहे हैं। कुछ छात्र हैं उधर, छात्रों से बात करना जरूरी है। कुछ छात्र दो भागों में बट गए हैं, छात्रों को जो है कि स्टेशन जाने से रोका जा रहा है, जिसके वजह से जो छात्र हैं उन लोगों से बात करते हैं। कुछ छात्र इधर खड़े हैं, कुछ छात्र उधर खड़े हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है कि एक मिनट आराम से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंद किशोर हुआ। ये बताइए प्रोटेस्ट करने से सरकार लगता है कि झुकेगी? सरकार झुके ना झुके, जब तक हम लोग की वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन चालू रहेगा। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सारे डिजिटल मीडिया के पत्र नेशनल को दिखाई नहीं, नेशनल मीडिया लिखाओ है, खरदाओ है, सबके सब मोदी मीडिया है। आप लोग के सहयोग से हम कहना चाहते हैं कि युवाओं की बात अगर ये सरकार नहीं करेगी, कितना भी नेशनल मीडिया को खरीद ले, वोट वक्त मीडिया नहीं वोट देने आएगी, ये जनता ही वोट देने आएगी, ये युवा ही वोट देने आएगी। इसलिए कहते हैं युवा की बात को सुनी जाए। जी क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप किधर है? अच्छा मनीष कश्यप तो अब कहाँ होंगे, हम कैसे बता? मनीष कश्यप भाजपा के साथ ही गए हैं, भाजपा हमारे पार्टनर नहीं है। मनीष कश्यप को सिर्फ राम मंदिर दिखता है, बीजेपी दिखता है, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं हम बिहार का विकास में सहयोग करना चाहते हैं। ये कैसा विकास है जिस बिहार में, जिस देश में युवा का नौकरी
65,000 से 5,000 रुपए लाके रख दे और वो बिहार का विकास करने वाला नेता वो चाहे वो मनीष कश्यप हो चाहे चिराग पासवान हो एक बार भी नहीं बोला। 56,000 किया जाए यही मांग है युवाओं की। अच्छा एक बात बताइए ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि लाठी चार्ज करना पड़ जाए। एकदम लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, तितर बितर कर रही है पुलिस और हम लोग देखिए आप देख रहे हैं हम आप बिल्कुल आप अपनी अपनी बातों को आप कहिए आप अपनी बातों को कहते रहिए हम आपकी बातों को सुनेंगे। अब जैसे कुछ टीमें उधर है कुछ टीमें इधर है दोनों तरफ टीमें बट चुकी है ये जो छात्र हैं यहाँ से दिखाते रहिए किस प्रकार से ये जो छात्र हैं ये लोग पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में जो है कि इसको सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये लोग चाहते हैं कि प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए जितना हद तक जाना होगा हम जाएंगे लेकिन इस प्रोटेस्ट को सफल बनाया जाएगा। छात्र जो है कि बैनर लिया रेल रोको आंदोलन ये रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। और देखिए अभी तो आपकी टीमें दो भाग में बट गई है क्यों दो भाग में क्यों बट गई है प्रशासन के कारण बट गई है। प्रशासन नहीं चाहती है तितर बितर करना चाहती है भीड़ को तितर बितर करके वो चाहता है जो आंदोलन को खत्म कर दे लेकिन यहाँ भारत देश का युवा है जो सीने पे गोली और कंधे में फांसी भी। चलिए छात्र जो है कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे रोड पे उतरे हुए हैं और इन छात्रों का एक ही गुस्सा है कि जो 5600 की बहाली है उसको 56,000 किया जाए तभी जाकर के ये आंदोलन रुकेगा वरना ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये आंदोलन जो है कि धीरे धीरे जो छात्र हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में दोनों तरफ जो है कि खड़े हैं। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि इन छात्रों को तितर बितर करने के लिए प्रशासन जो है कि फोर्स का इस्तेमाल कर रही है हो सकता है कि बल का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर ये छात्र जो है कि ये स्टूडेंट जो है कि प्यार से शालीनियत से नहीं मानते हैं तो प्रशासन जो है कि इन बातों को समझाने के लिए मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।